गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को ब्रिगेड मैदान पहुंचे और मैदान का मुआयना किया। बता दें कि 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिगेड सभा बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। ये चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी की पहली रैली होगी। आप देखेंगे गेम चेंज तो हो गया है और 7 मार्च उस पे सील लगाएगा। गेम चेंज तो हो गया है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और निश्चित रूप से दीदी की विदाई तय है। जैसे हमारे बंगाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उस दिन कहा कि 2 मई दीदी गई, ये पक्का है। बिल्कुल 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो दीदी यहाँ पर विपक्ष में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मुझे तो उसमें भी शक। उत्तर 24 परगना के अशोक नगर थाना अंतर्गत बीरा बथानिया में सड़क किनारे स्थित मैदान से एक व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया गया। रसोई गैस की कीमत में पिछले कुछ दिनों से आग लगी हुई है और ये दिसंबर से आज तक में 225 रुपए बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार हुआ है कि बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। फरवरी महीने में गैस की कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोकिन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने बार बार भाजपा नेता राकेश सिंह का नाम लिया था। इसके बाद पुलिस ने राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 1 मास तक अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा था। आज राकेश सिंह को फिर अलीपुर कोर्ट में लाया गया। टॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शावंती चटर्जी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का झंडा थामा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर नवान में ममता बनर्जी के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। साफ तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्णय, आदरणीय लालू जी का भी निर्णय जो है वो आदरणीय ममता जी को फुल सपोर्ट का है, मदद करने का है। इसमें हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। देश को जो तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, हमारी साफ तौर पे जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, सेक्युलरिज्म हो, जो लोग चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस जो सत्ता में आने का है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बीजेपी को यहाँ बढ़ने से रोकें। वो लोग भले ही ख्वाब देखते होंगे सत्ता में आने का, लेकिन ये सच होने वाला नहीं है। तेजस्वी के साथ बैठक पर ममता ने कहा कि बंगाल में समझ लीजिए तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में आरजेडी की जीत तय थी पर षड्यंत्र करके उन्हें हरा दिया गया है। देखिए, मैं तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि तेजस्वी एक युवा नेता है और बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है। और सिर्फ उनको ही तो जीतना था, वो लोग जीत रहा था भी, लेकिन चलाकी करके, झूठा करके, बहुत सारे फसाद करके ये लोगों को जीतने नहीं दिया। लेकिन मेरे को विश्वास है आज और कल तेजस्वी का गवर्नमेंट बिहार में बनेगी। हमारा पूरा आशीर्वाद उसका साथ है और राबड़ी देवी को, लालू जी को हम चाहते हैं वो जल्दी जल्दी सुस्त हो जाए। लालू जी को हम लोग तो, लालू जी हमारा सीनियर है, हमारा पिताजी का तरह है। हम हर तरह सोचते हैं कि उनको जैसे जेल पे रख के जैसे टॉर्चर कर रहा है, मानसिकता का वो टॉर्चर कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लालू जी को जानबूझ के बाहर में अपने नहीं दिया, जैसे लालू जी आने से बिहार में बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलता। दुबई के शारजा से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान में करनी पड़ी। वजह रहा एक यात्री की तबीयत ज्यादा खराब होना। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी झेल रहे यात्री को वक्त रहते चिकित्सा की मदद नहीं मिल पाई और अराइवल पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विमान के अंदर एक यात्री को हार्ट अटैक आ गया और उसकी तत्काल मौत हो गई। घटना के समय विमान हवा में था। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों असम के दौरे पर है। असम में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रही है। असम के तेजपुर में प्रियंका गांधी ने एक और चुनावी रैली को संबोधित किया और इस रैली में निशाने पर मोदी सरकार थी। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था,
तब भी कोई यहां नहीं आया। जब टी ट्राइब संकट में थे उस समय भी आपकी सुनवाई करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहां कोई नहीं आया। लेकिन आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जो अपने घर के 4-5 किलोमीटर दूर लाखों किसानों के आंदोलन के बावजूद अपने घर से निकल के उन किसानों से बात नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आसाम की धरती पर आपसे बात करने क्यों आएंगे? उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि असम की चाय पर हमला हो रहा है। एक 21 साल की लड़की ने ट्वीट किया, उस वजह से ये कहते हैं कि असम की चाय, असम टी पर हमला हो रहा है। लेकिन खुद 5 सालों से असम की आइडेंटिटी पर हमला कर रहे हैं। आरएसएस, भाजपा के नेता लगातार हमला करते रहते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप रहे। देश भर में घूमकर इन्होंने काह की बात की, लेकिन आपकी धरती पर आकर काह की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोली जा रही है। कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच मंगलवार को राजधानी दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के अलावा गैस के दामों को लेकर भी था। दुनिया की कुल आबादी में हर 4 लोग में एक शख्स 2050 तक सुनने की समस्याओं से जूझ रहा होगा, यानी उनके सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। WHO ने आज ये चेतावनी दी है। WHO ने इस समस्या से निजात पाने के लिए रोकथाम और इलाज के लिए ज्यादा निवेश करने का आह्वान दिया है। किसानों का विरोध अब खेत तक पहुंच गया है और कई किसानों ने अपनी खड़ी फसल को जोत दिया है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा में सामने आया है। यहाँ एक किसान ने अपनी 4 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे राउंड के पहले दिन ने 29 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सोमवार रात 8:30 बजे तक 29 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के दिवाली खल इलाके में सोमवार को सड़क चौड़ा करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लोग पथराव करते भी नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उग्र हो गए और पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। ICSE बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए डेटशीट घोषित कर दी है। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कक्षा 10वीं के 5 मई से और 12वीं के 8 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा शुरू करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।